इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू है आइए इंसानियत सीखे। जब पूरा देश जातिवाद की चपेट में आ चुका है, जहां एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा हो, तन्हा नौजवानों को धर्म और नाम मजहब पूछकर पीटा जा रहा हो और उसी में उसकी मौत तक वाके होती जा रही है, ऐसे वक्त में हजारों किलोमीटर दूर से गूंगा बहरा कृष्णा इंदौर से नवरात्रि के वक्त लापता हो जाता है। तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। वालिदैन इसे बहुत ढूंढते हैं। आखिर में इंदौर पुलिस में कृष्णा लापता होने की शिकायत भी दर्ज की जाती है, लेकिन कृष्णा पहुंचता है बेलगाम के मुस्लिम इलाका खंजर गली में, जहां कृष्णा की खिदमत के जरिए इंसानियत की एक मिसाल को कायम करना था। और भारत के दिगर शहरों में जहां सुबह शाम हिंदू मुसलमान की नफरत को आम करने का खेल खेला जाता हो, दो धर्मों के बीच जहर घोलने की कोशिश की जाती हो और मजहबी तशद्दुद के शोले भड़काए जाते हो, ऐसे फिरका परस्तों की साजिशों पर इंसानियत की मिसाल कायम करके इनके मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। लिहाजा कृष्णा बेलगाम शहर के खंजर गली मोहल्ले में पहुंच जाता है। यहाँ उसे कुछ नौजवान बिल्कुल अपने भाई की तरह उसकी देखभाल करते हैं और आखिर में उसे वालिदैन के हवाले किया जाता है और कृष्णा को इंदौर पुलिस और वालिद मुकेश चौहान के साथ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ रवाना किया जाता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट आपको लग रही हो, पर यह सच्चाई है कि और खंजर गली बेलगाम के नौजवानों ने एक हिंदू गूंगे और बहरे 13 साल नौजवान की जो खिदमत अंजाम दी है, वो वाकई काबिले सताइश है। कृष्णा चौहान 1 महीने पहले बेलगाम आया और खंजर गली में घूमने लगा। बात कर नहीं सकता था और सुन भी नहीं सकता था, लिहाजा कुछ नौजवानों को इस पर रहम आया और इसे खाना खिलाना, चाय पिलाना, नाश्ता कराना, इस तरह के खिदमत अंजाम देने लगे। खासकर तुफैल पठान के घर वालों ने भी इसे अपने घर में बिठाकर खाना खिलाया, घर के फर्द की तरह इसकी देखभाल फरमाई। आपको याद रहे कि बेलगाम में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके थे, ऐसे वक्त में भी बेलगाम शहर के कुछ नौजवान, खासकर तुफैल पठान, अखलाक पठान, मुनीर मुल्ला, शोएब, नवीद, आमिर, शहबाज और दिगर नौजवानों ने तूफानी बारिश में भी इसकी खदमात को अंजाम दिया। खासकर तुफैल पठान के घर वालों ने बच्चे की तरह इसकी परवरिश फरमाई। कारपोरेट मुजम्मिल डोनी के दफ्तर में रहने का इंतजाम किया गया था। कृष्णा चौहान की देखभाल यहाँ तक के नहलाने तक की खिदमात मुनीर मुल्ला और उसके घर वालों ने अंजाम दी। अब खंजर गली मोहल्ले में तकरीबन लोग पहचान रहे थे, कृष्णा अब अजनबी नहीं रहा। अब खंजर गली के तकरीबन रहने वाले उसे पहचान रहे थे। अब तो घरों में दावत भी होने लगी, कृष्णा खंजर गली का मेहमान खुसूसी बन गया। इत्तेहाद न्यूज़ को बताते हुए तुफेल और मुनीर ने कहा कि हमने इसके मजहब को नहीं देखा, बल्कि इंसानियत का पैगाम दिया जो हमें इस्लाम सिखाता है। हमारे इन खदमात को हम जाहिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ हमारी इन खदमात से अल्लाह राजी हो जाए, यही हमारा मकसद था। तकरीबन महीना गुजरने लगा, लिहाजा अचानक इनकी नज़र हाथ पर तराशे हुए मोबाइल नंबर पर गई और मोबाइल नंबर पर रब्ता किया, पर नंबर बंद आया। गूगल के जरिए इंदौर पुलिस थाने का पता लगाया गया और 27 अगस्त को पुलिस थाना इंदौर को व्हाट्सएप के जरिए कृष्णा की तस्वीरें भेजी गई। इंदौर पुलिस थाने से जवाब भी मिलने लगा और वीडियो कॉल के जरिए बात करने को कहा। इंदौर पुलिस ने तब तक कृष्णा के वालिद मुकेश चौहान को भी ढूंढ कर पुलिस थाने लाया था। जब खंजर गली से वीडियो कॉल किया तो कृष्णा को देखते ही वालिद मुकेश चौहान ने फर्जंद को पहचान लिया और वह बेख्तियार रोने लगे। तकरीबन 1.5 साल से गायब अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फौरन पुलिस इंतजामिया के साथ कृष्णा के वालिद बेलगाम शहर पहुंचे। इंदौर पुलिस ने भी इत्तेहाद न्यूज़ को बताते हुए कहा कि बेलगाम के नौजवानों ने इंसानियत की वो मिसाल कायम की है जिसकी सराहना होना ज़रूरी है। वालिद मुकेश चौहान ने अपनी डबडबाई हुई आंखों से नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश पुलिस की जानिब से खंजर गली के इन मुस्लिम नौजवानों को एजाजी तमगा भी दिया गया, साथ में सर्टिफिकेट भी दिए गए। आखिर में विदाई का इजलास भी खंजर गली कमेटी की जानिब से रखा गया था, जिसमें इंदौर पुलिस के रणवीर सिंह राठौड़, VN मालवीय, मुकेश चौहान ने सभी का शुक्रिया अदा किया और रात की रेल से
सभी लोग कृष्णा को लेकर मध्य प्रदेश इंदौर रवाना हुए। ये कहानी बहरहाल फिल्मी लग रही हो, लेकिन सच्चाई है जो बेलगाम में हुई है। खिदमत खल्क वाकई फिरका परस्तों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि इंसानियत ही आखिर कामयाब होती है। उन फिरका परस्तों को यह पैगाम है, तुम कामयाबी अजमत की बुलंदी को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत की जगह मोहब्बत को आबाद करो। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना ये हमारा इंतखाब है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा लड़का ऐसा कृष्णा चौहान, मैं पिता मुकेश चौहान हूँ। ये लड़का इंदौर से लापता था, नवरात्रि में गर्भ में से। जब से ये गया, जब से हमने इसको ढूंढा, जब से ये करा और इसका मिलने का कोई चांस नहीं रहा। फिर हमने खूब इसका पेपर में भी दिया, फोटो भी छपाया, ये भी करें, ये सब तो पूछा था, छिप करें, कोई पता ये नहीं। फिर तोफिल भाई ने गूगल पर डाला और देख के इनने पता करा, फिर हमको पता चला बिल्कुल। इनका अव्वल ग्रुप की तरफ से भी इनको बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ और बहुत इनको ये चाहता हूँ कि अच्छे नौजवान बच्चे ऐसा काम करता रहे या नहीं, तो कल से ये घटना कभी भी किसी का हो, ये कभी किसी का है ना, धर्म में अपना नहीं देखना चाहिए कि अपन हिंदू है को मुसलमान, एक इंसानियत के नाते और भाईचारे के नाते से मतलब ये करना चाहिए। नहीं वही हाँ। उसको जो तो है वो सुबह शाम नहलाते थे, फिर उसको सफा उसकी साफ सफाई नाश्ता वगैरह कराते थे। एक घंटे आधे घंटे किसी के घर पे बैठना नहीं चाहता हूँ, 10 मिनट भी है, पर मैंने सुबह से आया तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कौन सी जगह बैठा हूँ, अपने मोहल्ला में अपने घर के अंदर ही बैठा बिल्कुल। और ये चाचा वगैरह पुलिस वाले भी भैया उनमें आए, इनको भी बिल्कुल हमने कोई बात का ये नहीं करा बिल्कुल। फिर इस गूगल पे से इंदौर पुलिस स्टेशन का नंबर काटे, इंदौर पुलिस स्टेशन को फोन लगाया, बन में वो अंदर पुलिस स्टेशन का नंबर दिए, फिर उनको कॉल लगा के बुलाए कि ऐसा ऐसा लड़का है करके, फिर वो व्हाट्सएप पे इसका फोटो सेंड किया, बन में वो फोटो लेके इनके मम्मी पापा को ढूंढे। सर जो आप पूरे देश में एक तरह का अलग माहौल देखने में आता है, और इंदौर से एक बच्चा बेलगाम शहर में आता है, खंजर गली के नौजवान, उसे बिल्कुल अपने भाई की तरह उसके साथ जो है बर्ताव करते हैं, ट्रीट करते हैं, आप इस बात को, इस पूरे वारदात को किस पसे मंजर में देखते हैं, क्योंकि आप इंदौर से यहाँ आए उसे ले जाने के लिए कृष्णा चौहान को? हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यहाँ की आवाम के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करी, जिन्होंने एक नया संदेश दिया है कि धर्म को ध्यान में ना रखते हुए एक मानवता के जरिए इन्होंने एक देश को एक संदेश दिया है कि आदमी कैसी कंडीशन में क्या है, अपने को उसका धर्म नहीं देखना, उसकी से मिला है तो उसकी मदद करना है। मैं इंसानियत के नाते किया सर, आप क्या खिदमत कर सकते सर, जो भी करना है मेरा इंसानियत नाते में किया। मैं एक 27 दिन से एक लड़का आया था, मिसप्लेस होके आया था, फिर हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे, खास करके हमारे तुफेल और उनके साथ में मुनीर और अखलाक पठान, फिर उसके बाद हमारे और भी गली के बच्चे हैं, उन्होंने उसकी खिदमत की, उसे अपने भाई जैसा, धर्म ना देखते हुए उसे भाई जैसा एक किया। तो ये ऐसा मैसेज है कि जात पात ना देखते हुए एक दूसरे धर्म के सम्मान दे, एक दूसरे का अपना फर्ज निभाए, और ऐसा जिसने जिस तरह से तुफेल ने काम किया है, तुफेल ने और एक खंजर गली के नौजवान बच्चे ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि हर ऐसे माहौल के अंदर एक हिंदू भाई के यहाँ से 27 दिन उसकी देखभाल करना, एक भाई जैसा उसको ट्रीट करना, फिर हमारे खास करके मुनीर भाई जो है खुद अपने हाथ से नला देते और उसको जो है बोलने के लिए नहीं आता था और सुनाई कम देता था, ऐसे इसमें उन्होंने खिदमत की। मैं समझता हूँ कि आज मेरे जो भी बच्चे इधर खिदमत के, मैं तहे दिल से उनको सल्यूट करता हूँ। जिस तरह से आप अभी खबर देख रहे थे कि इंदौर से एक लड़का वहाँ से लापता होता है, फिर बेलगाम में आता है तो उसकी पहचान के बाद फिर वापस उसे इंदौर भेज दिया जाता है, उसी तरह से कई सारे वाकयात पेश आते रहते हैं, बाज़ का ज़हनी जो लोगों का ज़हनी तवाज़ुन खोया हुआ रहता है, ऐसे अफराद भी लापता होते हैं, बहरहाल वो मिलते नहीं हैं। तो इसी तरह का एक मामला बेलगाम शहर के अशोक नगर बेलगाम से हुआ है, जो इरशाद अहमद मुजावर उनका नाम है। अगर वो बेलगाम से लापता हैं, फरियाद दर्ज की गई है 24/5/2019 से वो लापता हैं, और अगर वो कहीं पर किसी को मिलते हैं तो आप इस शख्स का ये तस्वीर है और नंबर दिया जाएगा, और नंबर पर आप रابطہ कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।
है।